दिस स्लाइड व्हाट इज़ गिवन वाई डज वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन साइड अ ब्लड वेसल। ठीक है, जब खून जब हमारी फिंगर कट गई या पैर कट गया कुछ हो गया तो कुछ देर के बाद जो होता है खून बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है भाई? क्योंकि खून जम जाता है, तो ब्लड के अंदर वेसल जो पाइप्स थी उनके अंदर भी तो ब्लड फ्लो हो रहा था, तो वहाँ पर ब्लड जो है वो क्यों नहीं क्लॉट होता है? क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल होता है जो एंटी क्लॉटिंग होता है, जो केमिकल जमने नहीं देता है, एंटी क्लॉटिंग केमिकल होता है जिसको हेपेरिन कहा जाता है। ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं जो कि बेसोफिल सेल्स हैं, वो हेपेरिन सिक्रीट करती हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हाँ, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी नेक्स्ट लिखा है कैपिलरीज लैक मस्कुलर वॉल एंड इज लाइन बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो कैपिलरीज जो होती हैं उनकी वॉल में मसल्स नहीं होता है, ठीक, और वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती हैं। ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, बाकी नेक्स्ट देखें, यहाँ पे फिगर जो बना हुआ है ना, वो देखें आर्टरीज कैसी होती है, वेन कैसी होती है, कैपिलरीज कैसी होती है। ठीक, देखें नैरो आर्टरी का भी हमने कंपैरिजन देखा था, तो नैरो थी, वेन जो थी वाइट थी, देखें फिगर में वाइट दिख रही है ना, और कैपिलरीज जो थी वो ऐसी रहती है। ठीक, बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे कि व्हाट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ए ब्लड टुवर्ड्स एंड अवे फॉर सेल फ्रॉम सेल्स और टिश्यू रिस्पेक्टिवली। तो आपको ब्लड वेसल का नेम बताना है, और नेक्स्ट लास्ट में लिखा हुआ गिव द नेम ऑफ न्यूक्लिएटेड ब्लड वेसल। न्यूक्लिएटेड ब्लड वेसल कौन सी होती है? लास्ट वीडियो में मैंने सेंड किया था आपको कि जो RBC होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉनकेव होती है, तो RBC तो ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो बचा कौन? बचा आपका WBC। तो आंसर आप सर्च करके खुद लिखिएगा। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।